सो गाइस, इंडियन मार्केट के अंदर हीरो ने अपनी गाड़ियों को काफी ज्यादा अपडेट कर दिया आज के टाइम में। मतलब ही हार्ले के साथ में कोलैब करके एक्सपो 40 जो है लॉन्च करी, मैवरिक 440 लॉन्च करी है, एंड सेपरेट करके जो है हीरो ने खुद के दम पे करिश्मा को लॉन्च करा। एक्सट्रीम में काफी अच्छे अच्छे अपडेट दिए, जो भी कमी पेशी थी सबको दूर करके एक फ्रेश डिजाइन बना के दिया। USD सस्पेंशन वगैरह, मतलब जो भी नीड था सब दे दिया, डुअल चैनल सपोर्ट वगैरह सब दे दिया। बट अब टाइम आ चुका है नई गाड़ी को जो है वो लॉन्च करने का। तो करिश्मा का जो है ना, पहले ही अपडेट हुआ था कि जब 210 cc आएगी उसके साथ में एक 400 cc भी आने वाला है, बट उस टाइम में ये क्लियर नहीं हुआ था कि ये जो है फेयरिंग गाड़ी हो जाएगी या नेकेड होगी। तो बट अब मैं एक चीज आपको पहले बताता हूँ, ये नेकेड होने वाली है, अब 400 cc की कैटेगरी में होने वाली है। तो ये गाड़ी जो आगे जो है वो धूम मचाने वाली है, क्योंकि इस सेगमेंट में अभी तक हीरो के पास में कोई भी गाड़ी नहीं थी। अभी R15 से RS से कॉम्पिटिशन करने के लिए करिश्मा था इनके पास में, बट अपर सेगमेंट जो NS 400 वगैरह उनसे कोई भी जो है कॉम्पिटिशन करने के लिए कोई भी गाड़ी इनके पास में नहीं थी। तो ये गाड़ी लॉन्च वाली है काफी जल्दी, आप लोगों को नेक्स्ट ईयर इसका लॉन्च देखने को मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को इंजन मिल जाएगा सेम अभी जो हार्ले के साथ कोलैब करके जो इंजन बना है 440 सीसी का, जो कि रिसेंटली अभी पावर प्रोड्यूस करता है 27 bhp का, बट ये जो है कम से कम 35 से लेके 40 bhp के पावर जनरेट करेगा, क्योंकि इसको रिट्यून किया जाएगा। और टॉर्क तो 38 Nm का दे ही रही है, तो वो आपको जो है थोड़ा बहुत 40 Nm का आराम से मिल जाएगा। तो इतना टॉर्क पावर होने के बाद इंजन काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। इसके अंदर 6-speed गियर तो आते ही है, आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, क्योंकि अभी जो है ऑयल कूलिंग आप लोगों को मिलता है और एयर कूलिंग मिलता है, बट इसके अंदर आप लोगों को जो है लिक्विड कूलिंग मिलेगा। अभी जैसे गोरिल्ला लॉन्च हुई है उसके अंदर 6-speed गियर है और लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है, मतलब गाड़ी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। मैंने कुछ ड्रैग्स वगैरह देखे हैं, मतलब अपने सेगमेंट के सब गाड़ियों को वो हरा रही है, GT तक से इवन मतलब कॉम्पिटिशन अच्छा कर रही है। तो उस तरह का इंजन को इसको भी जो है वो रिट्यून किया जाएगा और इसको अपने नेकेड गाड़ी के अंदर जो है वो फिट किया जाएगा 400 cc के। इसके अंदर आप लोगों को LED का जो पूरा सेटअप मिल जाएगा, लाइटिंग सेटअप वगैरह मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा, कोई शिफ्टर मिल जाएंगे, स्लीपर क्लच मिल जाएंगे, ABS के मोड्स मिलेंगे, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाएगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर मिलेगा, नया फ्रेश डिजिटल मीटर मिलने वाला है आपको, एंड फ्रंट के अंदर आप लोगों को 110 सेक्शन का टायर मिल जाएगा, पीछे में आप लोगों को 150 सेक्शन के टायर मिल जाएंगे। तो काफी बड़े टायर मिल जाएंगे, बट स्विंगआर्म मैं आपको बता दूं, स्विंगआर्म आप लोगों को रेक्टेंगुलर बेस ही मिलने वाला, कोई भी एल्युमिनियम का स्विंगआर्म वगैरह इसके अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि हीरो के पास में है ही नहीं। तो इसके अंदर आप लोगों को मस्कुलर जेल का टैंक वगैरह देखने को मिल जाएगा। फीचर्स के अंदर आपको भर भर के मिलने वाले हैं, डुअल चैनल सपोर्ट मिल जाएगा, एंड सस्पेंशन वगैरह आपको USD मिल जाएंगे। पॉसिबल ये हो सकता है कि एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाए, बट ये चीज चांसेस कम है। बट ये चीज है कि नेक्स्ट ईयर इसका लॉन्च होने वाला और प्राइसिंग तो उसका बहुत शॉकिंग होने वाला है, क्योंकि हीरो की गाड़ी है। जैसे अभी करिश्मा का प्राइसिंग काफी अच्छा रखा गया है, RS से भी कम है, R15 से भी कम है, बस एक USD मिसिंग है, तो वो भी नेक्स्ट अपडेट में आप लोग को मिल ही जाएगा। तो 400 cc में हीरो जो है अपनी गाड़ी को लॉन्च करने वाला। अभी मैंने पर्सनली हार्ले एक्सपो 40 चलाई है, मैवरिक भी चलाई है, दोनों गाड़ी का पावर परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, बट 27 से जब BHP 40 तक आएगी तो और परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाएगी। एंड फीचर लोडेड ये बाइक आपको होने वाला है, एंड फुल्ली जो है वो नेकेड सेगमेंट में गाड़ी होने वाली है, बट नेकेड में थोड़ा सा मस्कुलर डिजाइन के साथ में ये आपको मिल जाएगा, फेयरिंग नहीं आने वाली, फेयरिंग जो है सिर्फ अपने करिश्मा के अंदर ही आएगा। तो नेक्स्ट इसका लॉन्च होने वाला, तो जैसे लॉन्च होती है फिर हम इसका फुल डिटेल रिव्यू बनाएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भी गाइस लाइक कर देना।